आईसीएआई अध्यक्ष नीलेश विक्रमसे की बेटी का शव मिला है। आपको बता दें कल से लापता थी उनकी 21 साल की बेटी पल्लवी विक्रमसे और कल से उनकी तलाश जारी थी और यहां पर अभी खबर आ रही है कि कल से लापता पल्लवी की शव की बरामदगी हुई है। आखिर किन परिस्थितियों में ये कहां से शव की बरामदगी हुई और पुलिस को शुरुआती जांच में क्या कुछ दिख रहा है, इस पर अपडेट देने के लिए मेरे सहयोगी विकास श्रीवास्तव इस वक्त जुड़ गए हैं। जी विकास, फिलहाल देखिए पल्लवी को आखिरी बार मुंबई के सीएसटी स्टेशन पर देखा गया था। बीते शाम 6 बजे वो मुंबई के सीएसटी स्टेशन पर थी और उसके बाद से ही उसकी कोई खोज खबर नहीं लग रही थी और इसी वजह से विक्रम से परिवार जो है उसने एक मिसिंग की कंप्लेंट लिखाई थी और पल्लवी के बारे में पूरा ब्यौरा, उसका पूरा फिजिकल एट्रीब्यूट जो है वो पुलिस को दिया था और सोशल मीडिया पर इसको वायरल भी किया था। लेकिन दुर्भाग्य से आज उसकी मौत की खबर आई है। मुंबई के सेंट्रल रेलवे में पल्लवी का जो है शव बरामद किया गया है। शव काफी छत-विछत अवस्था में मिला है। इस मौत की वजह अभी तक पुलिस तय नहीं कर पाई है, इसका पता नहीं चल पाया है, लेकिन इतना कंफर्म है कि जिसकी तलाश पल्लवी विक्रमसे की तलाश जो पुलिस कर रही थी उसकी तलाश। क्या घर वाले किसी भी तरह के फाउल प्ले या किसी से दुश्मनी या किसी पे शक शुबा जता रहे हैं? जी नहीं, बिल्कुल इस समय पूरे मातम के माहौल है परिवार में। वो मीडिया से इस समय बात नहीं कर रहे हैं लेकिन उनका शक भी किसी पर नहीं है। मैं बता दूं कि पल्लवी विक्रम से जो है वो आईसीआई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के जो प्रेसिडेंट है नीलेश विक्रम से उनकी बेटी है और चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रेटर्निटी से भी अब जो है सांत्वना जो है आनी शुरू हो गई है उस परिवार को। बेहद दुखद खबर है। आखिर किसने 21 साल की इस युवती पल्लवी विक्रम से को इस हालत में पहुंचा है कि उनका शत विशत शव जो है वो बरामद हुआ है और वो बस कल भर से ही लापता थी।